पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में आज होली महोत्सव बड़े उल्लास से मनाया गया। परम पूज्य स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी ने आचार्य कुलम में नव से सृष्टि यज्ञ का आयोजन किया। ओम भूर्भुवस्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवी ववरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठिग्निमन्नादमन्ना द्यायादधि। ॐ उद्बुद्ध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहित्वमिष्टा पूर्ते सुखं सृजेथा वयं च। ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नमम। ॐ भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। ॐ भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्नमम। ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्नमम। ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदन्नमम। ॐ भूर्भुवस्वः अग्नायुवंशि पवसासुवोर्जमिषञ्चन आरीबा आधस्वदुच्छुनाम् स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम। ॐ भूर्भुवस्वः अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयम् स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम। ॐ येते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञियापाश वितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोद विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गा स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्नमम। ॐ अयाश्चाग्ने अस्य नभिषस्तिपाश्च सत्यमित्वमयासि अयानो यज्ञं वहास्ययानो धीः भेषजं स्वाहा इदमग्नये अयसे इदन्नमम। ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रथाय अथा वयमा आदित्यव्रतेतवानागसो अदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणायादित्यायादितये च इदन्नमम। ॐ भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञगं हिगं शिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवत मद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदन्नमम। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निस्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चस्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ॐ आपो ज्योतिरसो मृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरूं स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ अग्ने नय सुपथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः अत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः अत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ शतायुधाय शतवीर्याय शतोदये भीमातिशाहे शतं यो नः शरदो अजीयादिन्द्रो नेषयति दुरितानि विश्वा स्वाहा ॐ ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तराज्ञा वा पृथिवी वियन्ति तेषां यो अज्ञानिमजीहिमा वः तस्मै नो देवाः परिदत्तेह सर्वे स्वाहा ॐ ग्रीष्मो हेमन्त उत नो वसन्त शरद्वर्षाः सुवितन्नो अस्तु तेषाम् ऋतूनां शतशारदानां निवात एषमभये स्याम स्वाहा ॐ इद्वत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय कृणुता बृहन्नमः तेषां वयं सुमतौ यज्जियानां ज्योग्जीव अहताः स्याम स्वाहा ॐ पृथिवी द्यौः प्रदिशो दिशो यस्मै द्युभिरावृताः तमिहीन्द्रमुपह्वये शिवानः सन्तु हीतयः स्वाहा ॐ यन्मे किञ्चिदुपेप्सितमस्मिन् कर्मणि वृत्रहन् तन्मे सर्वं संवृद्ध्यतां जीवता शरदशतम् स्वाहा ॐ सम्पत्तिर्भूतिर्भूमिर्वृष्टिर्ज्येष्ठ्यं श्रेष्ठ्यं श्रीः प्रजामिहावतु स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नमः ॐ यस्याभावे वैदिकलौकिकानां भूतिर्भव कर्मणाम् इन्द्रपत्नीमुपह्वये सात्मीत्वनपायिनी भूयात् कर्मणि कर्मणि स्वाहा इदमिन्द्रपत्न्यै इदन्नमः ओमश्वावती गोमती सूद्रितावती बिभर्तिया प्राणवृता मतन्द्रिता फलमालिनी उर्वरामस्मिन् कर्मण्युपह्वये ध्रुवां सामित्वनपायिनी भूयात् स्वाहा इदं सीतायै इदन्नमः ॐ सीतायै स्वाहा ॐ प्रजायै स्वाहा ॐ शमायै स्वाहा ॐ भूत्यै स्वाहा ॐ व्रीहयष्टमे यवाष्टमे माषाष्टमे तिलाष्टमे मुद्गाष्टमे खल्वाष्टमे प्रियङ्गवष्टमे णवष्टमे श्यामाकाष्टमे नीवाराष्टमे गोधूमाष्टमे मसूराष्टमे यज्ञेन कल्पन्ताम् स्वाहा ॐ वाजो न सप्त प्रतिषष्टतस्रो वा परावता वाजो नो विश्वैर्देवैर्धनसाता विहावतु स्वाहा ॐ वाजो नो अद्य प्रसुवादिदानं वाजो देव ऋतुभिः कल्पयाति वाजो हि वा सर्ववीरं गजान विश्व आशा वाजपतिर्जयेयं स्वाहा ॐ वाजः पुरस्तादुतमध्यतो नो वाजो देव हविषावर्धयाति वाजो इमा सर्ववीरं चकार सर्वा आशा वाजपतिर्भवेयम् ॐ सीरायुञ्जन्ति कवयो युगा विदन्वति पृथक् धीरा देवेषु सुम्नयौ ॐ युनक्तसीना वियुगातनोत कृतीयो नो वपतीह बीजम् विराज श्नुष्टिः सभरा असन्नो निदीय इत्सृण्य पक्वमायवन् स्वाहा ॐ लाङ्गलं पवीरवत्सु शिवं सोमसत्सरु उदित्वपति कामिमं प्रस्थावद्रथवाहनं पीबरीं च प्रपर्यम् स्वाहा ॐ इन्द्रः सीतां निगृह्णातु तां पूषाभिरक्षतु सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम् ॐ शुनं सुफाला विदुदन्तु भूमिं शुनं कीनाश अनुयन्तु वाहान्
शुनासीराह विषातोषमाला सुपिप्पल ओषधीः कर्तमस्मै स्वाहा ओम शुनम वाहा शुनम नरः शुनम कृशतुलांगलम शुनम वरत्राबध्यन्ताम् शुनमश्रामुदिङ्गय स्वाहा ओम शुनासीरीहस्ममे जुषीथाम् यद्दिविचक्रतूपयस्तीनामामुपसिञ्चतम् स्वाहा ओम सीते वन्दामहे पार्वाची सुभगे भव यथा नः सुमना असु यथा नः सुफला भुवः ओम घृते न सीता मधुना समक्ता विश्वैर्देवैरनुमता मरुद्भिः सानः सीते पयसाभ्या वृत्स्फूर्जस्वति घृतवत्पिन्वमाना स्वाहा इन्द्राग्निभ्याम् स्वाहा इदमिन्द्राग्निभ्याम् इदन्नमः ॐ यदस्य कर्मणोत्यरीरिचय्यद्वान्यूनमिह अग्निष्टत् स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सूतं करोतु मे अग्नये स्विष्णकृते सूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्न कामान् समर्थय स्वाहा इदमग्नये स्विष्णकृते इदन्न मम ॐ स्वाहा प्रजापतये इदन्न मम ओमा ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम राष्ट्रे राजन्यशूर इषौ व्योतिव्याधि महारथो दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा धिष्णु सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ सर्वं वै पूर्णगम् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगम् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगम् ॐ तेजोऽसि तेजोमयि धीहि ॐ वीर्यमसि वीर्यं मयि धीहि ॐ बलमसि बलं मयि धीहि ॐ ओजोऽसि ओजोमयि धीहि ॐ मन्युरसि मन्युं ॐ सहोऽसि सहोमयि धीहि पूजनीय प्रभो हमारी भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ दीवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए भाव ना मिट जाए मन से पाप अत्याचार
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यज्ञ के पश्चात पूज्य स्वामी जी महाराज ने फाल्गुनी होलिकोत्सव की वैदिक परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला। भारतीय परंपरा में दो त्योहार यज्ञों की दृष्टि से और दो त्योहार ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जिस दिन जन्म हुआ उसको हम कहते हैं रामनवमी। उस नवमी का नाम ही भगवान राम जी के नाम ऐसा कर दिया। ये हमारी जो कालगणना है, जो हमारा कैलेंडर है, जो हमारी संस्कृति सभ्यता समाज परंपरा, उसमें उसका एक बहुत गौरवपूर्ण स्थान है। और जिस दिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसको क्या कहते हैं? रामनवमी। के साथ तो भगवान राम का नाम भी जुड़ा है। यहाँ मतलब वो जन्म, यूँ तो बहुतों का जन्म होता है अष्टमी के दिन, लेकिन जन्माष्टमी कहने से ही भगवान कृष्ण माने ऐसा जन्म जो जन्म सार्थक हो गया, ऐसा अवतरण, ऐसा प्रादुर्भाव एक ऐसी महान आत्मा का, एक भगवान की विभूति का इस धरती पर अवतरण हुआ कि मानो वो जन्म जो है वो सार्थक हो गया, इसलिए उसको जन्माष्टमी कहते हैं। तो दो बड़े पर्व ऐतिहासिक दृष्टि से हमारी सांस्कृतिक जो विरासत परंपरा, हमारा गौरवशाली अतीत को लेकर के हम मनाते हैं, और दो विशेष पर्व जो सृष्टि के आदिकाल से हम मनाते आए, वैदिक काल से लेकर के आज तक, एक तो दीपावली और एक होली। तो दीपावली को क्या बोलते हैं और होली को? तो ये आचार्य कलम के बच्चों को तो पता है। ये अभी विश्वविद्यालय के बच्चों को भी पता लग गया है, पतंजलि विश्वविद्यालय के, आपके माता पिता को भी पता लग गया है, वैदिक गुरुकुलम के विद्वान ब्रह्मचारियों को और वैदिक कन्या गुरुकुलम की विदुषी बेटियों को तो ये पता है। बाकी 99% लोगों को आप पूछो तो दीपावली का मतलब पटाखे, और अब तो और हो गया है, दीपावली का मतलब जुआ, जुआ खेलते हैं बहुत से लोग। और कई प्रकार के नशे करने लग गए लोग, फिर प्रदूषण बहुत फैलाते हैं। और होली का मतलब हुड़दंग, पूरे देश में हजारों लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं, हजारों लोगों के हाथ खराब हो जाते हैं, पटाखे आदि से इंजर हो जाते हैं। और इस बार तो दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण की वैसे ही कमी नहीं है, लाखों गाड़ियां हैं, फिर कई प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग होता है डिफरेंट वे में, क्लीनिंग के लिए केमिकल्स का प्रयोग होता है, फिर पेस्टिसाइड्स को मैनेज करने के लिए, पेस्ट मैनेजमेंट उसको बोलते हैं, उसके लिए बहुत से केमिकल्स का प्रयोग होता है, खेतों में कितने प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग होता है,
ऊपर से पटाखे छोड़ दिए, तो इस बार दिल्ली में 2 महीने तक भयंकर प्रदूषण रहा। एक दिन का प्रदूषण इतना तेज था कि 2 महीने तक 10 बजे 12 बजे तक तो कोई हेलीकॉप्टर ही वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाता था, और आसमान में पूरा धुआं छाया रहा 2 महीने तक, इतना भयंकर लोगों ने पटाखे छोड़े। अब नियम बनाना पड़ा सरकार को, कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि दिल्ली में कोई कूड़ा जलाएगा नहीं। दिल्ली के आस पड़ोस के 50 किलोमीटर के सराउंडिंग जो एरिया में जो गांव हैं वहां पर धान की भूसी लोग जला देते थे खेतों में, उसको नहीं जलाएगा। फिर अब तो इतना नियम हो गया, अब तो पूरे हिंदुस्तान में जो खेती के अवशिष्ट कोई जलाता है तो कानूनन वो अपराध है, उसको सीधा जेल में डाल देते हैं। इतना नियम बनाना पड़ा। और होली पर क्या करते हैं लोग, भांग खाते हैं बहुत से लोग, कुछ लोग सुल्फा पीते हैं, कुछ लोग गांजा खाते हैं। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे ये होता क्या है, पता है? ये सब बहुत भयंकर नशे होते हैं। कुछ लोग फिर दारू पीते हैं, तो दारू पीने का बताओ नशा करने का क्या मतलब इस पर्व से? तो ये पर्व क्या है, नई फसल जो आती है तो हम पहले उससे क्या करते हैं, हवन, और हवन करने के बाद ही उसका भोजन करते हैं। गीता का एक श्लोक है, यज्ञ शिष्टा सिनः संतः मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुज्यते तु अघम पापा ये पचंती आत्मकारणात्। बिना हवन किए जो भोजन करते हैं उसको पाप की संज्ञा दी है। हमारी संस्कृति में ऐसे तो पंच महायज्ञ माने हम दैनिक अग्निहोत्र आदि करते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवैश्य देव यज्ञ, 16 संस्कार भी जो है वो यज्ञ, उनमें भी इष्टि है, सब में यज्ञ है। और ये 2 यज्ञ विशेष माने गए हैं 2 फसलों के लिए। तो आज भी यहाँ पर जो हवन किया तो उसमें इस समय जो फसलें होती हैं उनको पहले हवन में आहुति दी और उसके बाद आगे उन उसका भक्षण करते हैं। इसके 2 अर्थ हैं, अग्निर्वई देवता नाम मुखम, अग्नि को क्या कहा देवताओं का मुख का, अग्नि में हम अर्पित करते हैं तो हव्य कहाँ चला जाता है, देवताओं के पास कैसे जाता है, पार्सल होके जाता है, किसके माध्यम से, वातावरण के माध्यम से। कितने प्रकार के देवता होते हैं, 5 प्रकार के, कौन से, तो ये तो पंच, तो ये तो एक तरह के देवता हुए, ये तो जड़ देवता हुए, चेतन देवता, इन इन देवताओं तक तो ये पहुंचता ही हवन का धुआं, धूम्र, हवन का जो हव्य है, तो हमारे पास तक नहीं आता क्या, आपके पास तक नहीं आता है? तो फिर तो 2 तरह के देवता, एक जड़ देवता, एक चेतन देवता, जो हमें देते हैं। और इनके माध्यम से हम अपनी हवि अर्पित करते हैं, अपना हव्य, अपनी आहुतियाँ, अपना समर्पण, कृतज्ञता हम अर्पित करते हैं। तो एक तो ये तो इसका पारंपरिक अर्थ बताया। अब आता है त्योहारों का दूसरा पक्ष, त्योहारों में हम खुशियाँ मनाते हैं। तो आप सभी अभी खुश हो कि नाराज हो? तो अभी व्यक्ति को हमेशा खुश रहना चाहिए, कभी कभी और जो हमेशा न रह पाए तो उनके लिए कम से कम भाई आज के दिन तो खुश हो जाओ। देखो हम किसी किसी व्यक्ति को देखते हैं ना, मैं इसलिए खड़ा हो गया कि पीछे वालों को मैं देख नहीं पा रहा था। तो कुछ लोग ना ऐसे रहते हैं हमेशा, उनको बोले ना थोड़ा मुस्कुराओ तो उसको भी ऐसे देखते हैं, ऐसे नहीं भाई, देखो तो खुश रहना चाहिए। तो उस वो हमारी खुशी कहीं न्यून ना पड़ जाए, इसलिए उस खुशी की वृद्धि करते हैं। तो इसको कहते हैं लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ को एंटरटेन करो,
एक्साइटमेंट होना चाहिए लाइफ में, उसमें लाइफ के अंदर जो है हैप्पीनेस होना चाहिए। पहली तो एक बात बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में हो कि समृद्धि होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, हमारे पास में ऐश्वर्य होना चाहिए। तो लोगों ने देखा कि कुछ लोग प्रॉस्पेरिटी होने के बाद, ऐश्वर्य होने के बाद भी, धन दौलत ये सब होने के बाद भी खुश नहीं दिखे। तो बोले भाई कोई चीज़ मिसिंग है। तो बोले समृद्धि तो प्रॉस्पेरिटी तो होनी चाहिए लाइफ में, लेकिन उसके साथ साथ हैप्पीनेस भी होनी चाहिए। तो पूरी दुनिया में कि लोग कितने खुश हैं, इसके लिए एक अब ये हैप्पीनेस के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। तो ये जो पर्व हैं हमारे, ये हैप्पीनेस के लिए हैं। तो किसी का जन्मदिन भी होता है तो बोले आपके जीवन में खुशियाँ हों, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में भी शुभकामनाएँ देते हैं तो हैप्पी से करते हैं। उधर खुशी, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह। तो आज तो होली है, आज तो तो अब होली को मनाने के लिए ऐसे अब कहते हैं कि होली में रंग क्यों, तो सारी सृष्टि में अब नए नए रंग, नए नए फूल खिल रहे हैं। देखो इधर कितने बढ़िया फूल खिल रहे हैं, पीछे भारत माता के प्रतिमा के सामने। फिर बोले जी तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ने के लिए थोड़ी होती चीज़ें। फिर योगाग्राम में, पतंजलि योगपीठ में, सब जगह हजारों प्रकार के पुष्प खिल रहे हैं। पहले पतझड़ आ गई थी, देखो चारों तरफ ये थे ना, बहुत से पेड़ों के पत्ते, देखो इधर ये पत्ते सारे झड़े हुए इन पेड़ों के। फिर ये बेचारे ऐसे लग रहे हैं जैसे नाराज से खड़े हैं। तब इनके ऊपर भी अब नए पत्ते आने वाले हैं। ऐसे ही कभी कभी हमारे जीवन में थोड़ा दुख आ जाए तो समझ लेना थोड़ी पतझड़ चल रही है, अब वसंत आने वाला है। अच्छा, और हमने एक सिद्धांत बना रखा जीवन का, चाहे कितनी ही प्रतिकूलता हो, अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता को मिटने नहीं देना है। हैप्पीनेस 24 आवर्स। एंड चौबीस घंटा और 365 दिन पूरी खुशी, पूरा आनंद, पूरा उत्सव। अच्छा, कुछ लोग कैसे खुश होते हैं कि अब जैसे गुरुजी बैठे और इनको रंग लगा देंगे और फिर करेंगे अजी ये आपको ही करना है तो बिना रंग लगाए कर लो। इसमें रंग लगाने की कौन सी बात है। फिर कुछ लोग ना पानी की बाल्टी किसी पे फेंकेंगे फिर कोई फिर कुछ लोग तो इतने भयंकर केमिकल लगा देते हैं कि कुछ लोग तो केमिकल से अंधे हो जाते हैं। फिर किसी किसी का चेहरा खराब हो जाता है। ये चीज नहीं होनी चाहिए।